नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये चैन सेट है मेरे पास, तो ये एक ओरिजिनल पीस है और ये डुप्लीकेट पीस है। देखने में आपको पहचान करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों बार कोड से आप इसको पहचान कर पाएंगे, लेकिन क्या होता है कई बार यदि जो ये डिब्बा ओरिजिनल रख लिया जाता है और पार्ट उसके अंदर डुप्लीकेट डाल दिया जाता है, तब आपको जो है थोड़ा परेशानी हो सकती है इसको पहचानने में। तो मेरे पास जो है ये चैन सेट है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी पहचान इनकी बता देता हूँ, ताकि आप यदि भविष्य में इसको खरीदें तो आपको थोड़ी जो है इसकी जानकारी रहे। तो जैसे ये मेरे पास है, ये ओरिजिनल चैन सेट है और ये डुप्लीकेट चैन सेट है। अब देखिए, इन दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूं। ये ओरिजिनल है और ये है डुप्लीकेट। देखने में आपको दोनों ही चैन सेट लगभग सेम मिलेंगे, पहचान करना बड़ा ही मुश्किल होगा आपके लिए। पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट जो पॉकेट है इसकी, उससे फ्रंट पॉकेट आप देखिए, यहां पे आप देखिए ये थोड़ा सा जो है इसकी फिनिश ज्यादा है, इस पे खुरदरापन है। लेकिन दोस्तों, कुछ मॉडल में जो है ये खुरदरेपन की भी आती है, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल है। तो यहां पर से आप इसकी पहचान कर पाएंगे। यहां से देखिए आप इसको, इसका जो ओरिजिनल का टिप है वो कितना मोटा है, ठीक है, इससे आप देखिए, इससे पहचान करना आसान होगा आपके लिए। ये मोटा है काफी, और जो डुप्लीकेट पॉकेट है छोटे वाली, उसका जो टिप है वो बहुत ही पतला है, ठीक है, यानी कि लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये मोटा है वो पतला है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर पाएंगे। अब दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। अब जो रियर पॉकेट है उसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस पे जो हीरो लिखा है उसको देखिए, वहां पे हीरो किस तरह से लिखा गया है, और इसके ऊपर जो हीरो लिखा गया है वो किस तरह से लिखा गया है, इनकी आप यहां से भी पहचान कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका हीरो और इसका हीरो कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और इस पे जो है, यहां पर ये लाइन है, इसको आप जो है नाखून से महसूस कर सकेंगे, लेकिन उस पे जो है लगभग प्लेन है वो, इस पे नहीं। और इसके जो टिथ है, टिथ से भी आप इसकी पहचान कर पाएंगे इसी चीज से। यदि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यहां पर आप इसके अंदर जो है ये सप्लाइन देखिए, ठीक है, ये खुरदरापन आपको ओरिजिनल के अंदर मिलेगा, ये वाली ये लाइन, लेकिन जो डुप्लीकेट है उसके अंदर ये लाइन नहीं है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यहां से भी आप इसकी जो है थोड़ी पहचान कर पाएंगे, ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में डुप्लीकेट ही बहुत चल रही है हीरो के अंदर। और अब जो चैन है, चैन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चैन को महसूस आप कर सकेंगे, वैसे देख के पहचान नहीं कर पाएंगे डुप्लीकेट चैन को। जब आप इसको नया खरीदेंगे तो नए के अंदर जो है आपको यहां पर बहुत ज्यादा ग्रीस मिलेगा, ठीक है, और जो डुप्लीकेट चैन है उसके अंदर आपको ग्रीस कम मिलेगा, ठीक है। और उसकी पहचान करने का एक तरीका और है, इसको जब आप हिलाएंगे तो यहां पर आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी डुप्लीकेट के अंदर, लेकिन जब ओरिजिनल को हिलाएंगे तो आपको एक चिप चिप की आवाज सुनाई देगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीस लगा है वो चिप चिप करेगा। मैं आपको माइक इसके नजदीक लगा के ये साउंड सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। ये चिप चिप की साउंड शायद आपको सुनाई दे रही होगी, और जब मैं डुप्लीकेट चैन लेता हूँ
ये नाम मात्र ही साउंड कर रहा है, आपका सुन भी नहीं रहा होगा। तो गाइस ये एक पहचान होती है ओरिजिनल की, इसके अंदर ज़्यादा प्ले मिलेगा आपको, और जो ओरिजिनल है उसके अंदर प्ले बहुत कम मिलेगी, वो इस तरह से कम हिलेगी। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।